कर रहे हैं बताइए? कुछ मदद कर दें। का ये वाट लग रहा है वे। ये हजारीबाग का गुरु गोविंद सिंह रोड है ये। तो गाइस यार अभी भी गाड़ी को मैंने दिया कोल्ड स्टार्ट, जो गाड़ी लगा हुआ है सुपर लग रहा है, धुलाया नहीं, वही गंदा है लुक में। और आज का मेरा प्लान है हजारीबाग जाना है मेरे को। इससे मेरे को पहला तो कोर्ट का काम है, दूसरा थोड़ा घर का, वहाँ पे जो मेरा हजारीबाग घर है वहाँ का थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह जाके पे करना है, भरना है। उसके बाद थोड़ा माइनर सब कुछ कुछ काम है, बस अपने मेन काम तो कोर्ट का, रामगढ़ गए थे वहाँ हुआ नहीं था। तो अब यहाँ से निकलूँगा सीधे, अब मिलता हूँ रास्ते में और रास्ते का नज़ारा का मज़ा लो, थोड़ा अच्छे से पूरा व्लॉग देखना, पूरा देखना और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना नहीं हो तो। यहाँ से निकलता हूँ, मिलता हूँ रास्ते में। तो पहुँचे हैं अपने एरिया का छोटा मोटा सा मार्केट, नॉट बहुत बड़ा वाला, नॉर्मल सा छोटा मोटा सा मार्केट है। यार हम पहुँच गए हैं परेज। यार मौसम देखो, बड़ा काला बादल हो रहा है हेवी, और हाथ में ना एक दो बूंद पानी आ चुका है। बस यही चीज़ का डर है कि बारिश का बस डर है। सुबह से नॉन स्टॉप बारिश हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है, हो रहा है तो हो रहा है। अभी छूटा है थोड़ा तो निकले हैं, क्योंकि आज का काम जो मेरा है बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला जो ब्लॉग देखे होंगे, मैं रामगढ़ कोर्ट गया था, तो उस कोर्ट से मेरा काम नहीं हुआ, क्योंकि दादी का जो एड्रेस था ना, वो एड्रेस था इनका हजारीबाग का, तो वो बोला कि हजारीबाग कोर्ट से आपको बनाना होगा, तो जो भी डॉक्यूमेंट था। यार ठंड बहुत लग रहा है यार, मैं तो हाफ टी शर्ट में हूँ, मुझे ठंड बहुत लग रहा है। ग्लव्स भी मैं ख़रीदना भूल गया, एक ग्लव्स मेरे पास रखा हुआ है लेकिन वो थोड़ा फट गया है, हॉर्नेट भी उसको पहन के चलाता था, बहुत चलाया था, बहुत लॉन्ग राइड किया था, अब उसका भी धज्जा उड़ गया इसलिए मैं नहीं पहनता। मैं सोचता हूँ लूँगा। दूसरी बात देखो, की रिंग अभी तक मेरे गाड़ी का की रिंग नहीं लगाया। तुम सोच सकते हो कि मैं कितना बिजी रहता हूँ, कि कहीं भी जाता हूँ तो की रिंग नहीं ले पाता हूँ, या ऑनलाइन मुझे की रिंग पसंद नहीं आता। ठंड भी बहुत है, बहुत ठंड लग रहा है, हाथ पूरा कपा आ रहा है, इतना ठंड हो गया। मेन बात कीचड़ एरिया था ना पूरा, अगर मान लो सच में वो राइट मुड़ जाता अचानक से, हम इतने स्पीड में आ रहे थे तो दिक्कत ना होता यार, एक्सीडेंट होने का डर था। और एक तो मौसम इतना ख़राब है कि मैं सोच रहा हूँ जल्द से जल्द इस एरिया को छोड़ने का, बट ऐसा हो पाएगा कि नहीं आई डोंट नो, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओ भाई ये तो अलग कीचड़ उड़ा रहा है यार, निकलना पड़ेगा यार। यार देखो वहाँ मेरा गाड़ी लगा हुआ है, बहुत बारिश हो रहा है, फंस गए। मिलते हैं मोटो ब्लॉग मोड में। पानी तो छूटा है, हल्का हल्का हो रहा है, चलते हैं बाइक की ओर। पानी हो रहा है, हो तो रहा है हल्का हल्का। वहाँ देख रहा सीन, देख रहा वहाँ सीन सॉलिड लग रहा है। अरे हजारी बाग यार, बाग हो गया। तो यार देखो कैमरा में पानी आता होगा तो मैनेज करना यार, माइंड मत करना। पानी तो हल्का फुल्का हो रहा है लेकिन निकल गए फिर भी, बस दुआ यही करने का है कि फिर बारिश ना हो आगे, वरना फिर आगे छिपने का उस तरह का है नहीं कहीं पे, क्योंकि इस रूट पे मैं बहुत पुराना है आदमी। फिर से बारिश चालू हो गया था और यहाँ पे हम छिपे बच बचा के। यहाँ पे रुक के कैमरा पहले पोछे, पूरा बढ़िया से पूरा कैमरा साफ़ किए, पानी पूरा कैमरा में लगा हुआ था। यार यही तो जान और जहान है यार, यहाँ से निकलते हैं यार, फिर बारिश ना हो यार, कपड़ा वपड़ा सब भींग गया। इम्पॉर्टेंट काम है मेरा बैंक कोर्ट का, वो काम हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, फिर आराम से आएंगे।
लेकिन सबसे मेन काम है 12-1 बजे तक पहुँचना है मेरे को। जब यार फिर बारिश चालू हो रहा है, अब मैं क्या करूँ यार, समझ में नहीं आ रहा है। इतना पानी तंग करेगा तो कैसे काम चलेगा। मेरे को लगता है कि जितना जल्दी मैं यहाँ से निकल सकता हूँ निकल जाऊँ। देखो इतना अच्छा गाड़ी रखने के बाद भी मैं ऐसे दबा नहीं सकता हूँ 70-80 से ज़्यादा, क्योंकि अभी सर्विस के बाद ही मैं पिकअप पकड़ा सकता हूँ इसको। अभी मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ इसको, वरना तो अब तक मैं कहाँ से कहाँ रहता। मिलता हूँ चरी में। तो गाइस चरी पहुँच गए हैं, बट बारिश लग ही रहा है। लेंस साफ कर लेते हैं, आई होप व्यू क्लियर मिलता होगा। यार यहाँ से कम से कम बारिश ना हो तो सही है। यहाँ से बस 15-20 मिनट मेरे को दे दो यार छूट सिर्फ, ताकि मैं इधर पिकअप में निकल जाऊँ यहाँ से, वरना मैं फंस जाऊँ यहाँ पे। कितना जगह रुकना पड़ा यार, बहुत जगह रुकना पड़ा। देखता हूँ कितना का दिखा रहा है कैपेसिटी चलने का, 90 किलोमीटर और चलेगा तो इंशाल्लाह रिलायंस का पेट्रोल पम्प पहुँच जाऊँगा जल्दी से। बस यार ये जो हाईवे ना कहीं छिपने का नहीं है यहाँ पे, बस यहाँ पे मेरे को बारिश ना ही मिले तो बेहतर रहेगा मेरे लिए, वरना फिर तो मैं गया। मिलता हूँ अब यार रिलायंस के पेट्रोल पंप पे, वरना कहीं अगर बारिश होता है रुकता हूँ तो वहाँ पे करता हूँ। मिलता हूँ गाइस। यार जो चरी से मेरा ब्लॉग देख रहा है वो समझ गया मैं कहाँ पे हूँ। यह चरी घाटी यहाँ का हजारीबाग और रामगढ़ रांची ये सब के बीच में आता है, इस बीच में आता है चरी घाटी है। हजारीबाग इंटरगंज पर ये घाटी आता है। तो यार इसको मैं चढ़ रहा हूँ, अब तुम लोग टाइम लैप्स का मज़ा लो। गाइस मेरे लिए सबसे अच्छा किस्मत का ये था कि पूरे घाटी में मेरे को नहीं मिला बारिश, और आशा करता हूँ कि आगे भी ना मिले। वैसे किस्मत का तो बहुत वाट लगा रहता है मेरा, यही आशा करूँगा कि बारिश आगे ना मिले। आगे रिलायंस का पेट्रोल पंप है, घाटी क्षेत्र ख़त्म हो चुका है, वहाँ तेल लगाता हूँ उसके बाद आगे शुरू करता हूँ। चलो पहले पेट्रोल पम्प तक चलता हूँ, उसके बाद आगे दिखाऊँगा। अभी यही तो दिक्कत है यार, यहाँ पानी जम जाता है। यहाँ पहले फ्यूल अप करा लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ तुम लोग से। तो यार यहाँ से तो फ्यूल अप करवा लिया मैं। ओह यार ये है छोटा मोटा बाढ़ यहाँ का, जो अक्सर रहता है, एक इन करने में भी रहता है आउट में भी रहता है। मेरे लिए सबसे अच्छा बात यह है कि बारिश रुक चुका है, लेकिन अब हम जिस एरिया में इंटर कर रहे हैं वो बारिशों का इलाका है हजारीबाग। वहाँ बारिश अगर होता है यहाँ 20 मिनट में छूटता है, तो वहाँ 1 घंटा में छूटता है। तो अब वहाँ का सीन्स कुछ ऐसा होने वाला है, देख लेना, क्योंकि बारिश चालू हो चुका है। तो मेरे को लगता है फिर कहीं मेरे को होल्ड करना होगा आगे पेट्रोल पंप पे, और ऑटोमेटिक होल्ड करते हैं, सीन्स देखते हैं कि किस तरह का सीन है यहाँ पे अभी फ़िलहाल, उसके उस हिसाब से यहाँ से निकलेंगे। तो इसमें तो नहीं रुकेंगे, भारत पेट्रोलियम में रुकते हैं। पहुँच तो गए टोल रोड एंड्स। अरे सबसे ज़्यादा डर ना कैमरा का यार, कहीं कोई दिक्कत ना हो। वेलकम टू हजारीबाग। अरे यार मैं टी शर्ट का ही वाट लग रहा है वे। वाटर प्रूफ तो है नहीं कैम, वाटर प्रूफ है कैमरा बट वाटर प्रूफ केस नहीं है मेरे पास, जिसके कारण मेरे को दिक्कत हो रहा है। भींग है पूरा हेवी टाइप से, वाट लग गया।
बस कैमरा कैसे बचा के चलाना है। यार मैं निकल गया, क्या कर सकता हूँ, हल्का हल्का बारिश हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ यार, मुझे कैसे भी तो इन तो करना है ना सारी बात, मेरे को बहुत काम है यहाँ पे फिलहाल, मैं तो एक तरह से रिस्क ले रहा हूँ यार बारिश में गाड़ी चला करके, भींग भींग करके, ऊपर से मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, कैमरा भींग रहा है, लेकिन क्या करूँ, मोटो व्लॉगिंग भी ज़रूरी है मेरे लिए, घर का काम भी ज़रूरी है, हर कुछ ज़रूरी है यार, पर टी शर्ट भींग गया है मेरा। तो यार यहाँ पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं, बारिश रुक ही नहीं रहा यार, मूड ख़राब हो रहा है, काम भी बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है करना है आज। तो गाइस यहाँ से निकल रहे हैं, अब क्या करें, कोर्ट का काम है, मैनेज तो करना पड़े। कोर्ट का काम है, मैनेज तो करना पड़ेगा यार, भींगना नहीं है मेरे को ज़्यादा, इसलिए मैं दूसरा रास्ता लूँगा, थोड़ा छिप के चलने वाला रोड, इसमें ओके रहूँ। दायां लेता हूँ, दायां दायां दायां, यहाँ पहुँच गए पेट्रोल पंप में, यहीं बगल में कोर्ट है, यहीं पे कोर्ट है। क्या क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे, कहीं जाना है तो क्या क्या करें बताइए, कुछ मदद कर दें। अच्छा रुकिए करते हैं, हम उसको बताए बहुत ज़्यादा, समझ सकते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है। तो यार यहाँ से काम हो गया मेरा कंप्लीट, मैं यार व्लॉग को कंटिन्यू नहीं रखा कोर्ट के बाद से, कोर्ट से मैं आया घर, पहले कोर्ट में अपना काम किया, अभी मेरे को कल भी आना है कोर्ट और मंडे को फिर आना है डॉक्यूमेंट रिसीव करने के लिए, तो वहाँ पे मैं व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि बहुत बारिश है, पूरा भींग तो गया हूँ हेवी टाइप से, अभी थोड़ा मौसम थोड़ा साफ लगा, हल्का सा लगा कि बारिश छूटा है, तो मैं कैमरा फिर लगा लिया हेलमेट, वरना मेरा कोई उम्मीद नहीं था कैमरा लगाने का, लेकिन सोचा कि चलो व्लॉग बना ही लेता हूँ, थोड़ा पानी रुका है तो बारिश फिर होगा, फिर मैं कैमरा को बैग में रख दूँगा। तो गाइस ये हूँ मैं अभी इंदरपुरी चौक पे, ये चौक है इंदरपुरी चौक, इसे इंदरपुरी कहते हैं इस जगह का नाम है, यहाँ से मेरे को राइट लेना, अगर मेरे घर ही निकलना होता तो सीधे जाता, लेकिन अब मेरे को यहाँ से राइट लेना है, राइट लेके मार्केट के अंदर घुसते हैं, रश तो बहुत है यार, मार्केट के अंदर घुसते हैं, उसको बारिश है तो उतना रश नहीं है, लेकिन तब भी गाड़ी वगैरह है थोड़ा। यार आज पूरा भींगे, ऊपर से तो भींगे हुए, आज निकलने का नहीं था, लेकिन क्या करूँ, इम्पोर्टेंट था काम मेरा और मुझे करना था एनी हाउ,
तो कर लिया, थोड़ा घर का भी काम था तो वो भी कर लिया। सोचा कि एक ही बार हल्का पानी रुकेगा तो कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू किया। ये है, ये बगल में सदर अस्पताल है, सरकारी हॉस्पिटल हजारीबाग का। और पहले यहाँ से मैं जाऊँगा चरही, चरही में मेरे को थोड़ा पेट पूजा करना है, खा पी करके फिर चरही से मैं निकलूँगा अपने घर के लिए। तो फिलहाल यहाँ से सीधे मेरा गाड़ी रुकेगा चरही में, बीच में कहीं रुक भी सकता है, आई डोंट नो, बारिश होगा तो। ये है हजारीबाग का गुरु गोविंद सिंह रोड है ये, और राइट साइड में पूरा मार्केट है, मेन मार्केट है अंदर से, तो यहाँ से रास्ता है मेन मार्केट का, और खाली रहेगा ये बरसात का टाइम है, इतना खिचखिच में कोई जाना पसंद करता नहीं है, और मेरे जैसा लड़का रहेगा तो बाहर से ले लेगा, लेकिन कभी नहीं लेगा। यार मैं ऐसे ही धीरे धीरे गाड़ी चलाता हूँ यार, मैं ज़्यादा स्पीड नहीं चलाता हूँ, ये जो चला रहा था यही मेरा नॉर्मल है चलाने का तरीका। स्पीड चला क्या मिलेगा यार, कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मैं धीरे चलाता हूँ। ये है बस स्टैंड हजारीबाग का, यहाँ पे लास्ट टाइम मैं रुका हुआ था, बारिश जो हो रहा था। तो गाइस पहुंच गए हैं हजारीबाग, अब छोड़ो वहां तक गरम से भाई, कितना सॉलिड सीन है यार वहां सामने, कंफ्यूज हो गए, बोल रहे थे ना उस सीन को देखते देखते कंफ्यूज हो गए भाई। तो यार फोर लाइन पकड़ ली है, अब सीधे यहाँ से चरही घाटी, और फिर चरही, फिर घाटर, तो मिलते हैं चरही घाटी में। यार भाई बारिश फिर से चालू हो चुका है, कैमरा को बचाना है यार, बहुत दिन हो चुका है आज, यहीं कहीं साइड में लगाता हूँ, आगे एक स्टॉप है वहाँ खड़ा करता हूँ गाड़ी, तो बारिश बहुत तेज हो गई है, कैमरा के ऊपर हाथ रख के ले जा रहा हूँ। ओ भाई स्टॉप तो नहीं गया, हाँ है यहाँ छिपता हूँ यार फिलहाल कुछ देर के लिए, बारिश चालू हो गई है। अभी लगेगा नहीं यार इतना सॉलिड बारिश हो रहा है। तो गाइज बारिश हल्का रुका है, निकलते हैं यहाँ से, हम लोग थे चरही घाटी में, रुके हुए थे साइड में, और बारिश थोड़ा सा मतलब थोड़ा थमा है, और हम लोग निकल चुके हैं। खाऊंगा, ओह शिट मैन यहाँ चलना है मेरे को। फिर उसको मोड़ने में इतना हार्ड था ना, खाता हूँ उसके बाद बात करता हूँ। चलते हैं यहाँ से अब घर के तरफ, मजाक नहीं है, ड्यूक है, बवाल चीज है। पूरा पहाड़ पे धुआं है, एक तो हेलमेट में पूरा पानी आ रहा है, हल्का हल्का पानी हो रहा है बारिश, अब क्या कर सकते हैं, रुकने से कोई फायदा है नहीं, कैमरा में पानी तो नहीं आता होगा आई थिंक,
कितना भूखा रहता है यार, देखो लो फील तुरंत आ जाता है, कितना भूखा यार। कीचड़ी कीचड़ है भाई साहब। पहुंच गए परेज, यहाँ तक तो बारिश नहीं मिला, उसके बाद चरी के बाद थोड़ा थोड़ा हुआ था। यार ठंड बहुत लग रहा है यार, बहुत ठंड लग रहा है। पहुंच गए हैं बंजी। सामने का सीन देखो कितना गर्दा है, कितना खूबसूरत लग रहा है सामने का सीन। लेकिन यार अपना झारखंड बहुत खूबसूरत लगता है, बारिश टाइम तो और खूबसूरत हो जाता है यहाँ पहाड़ वगैरह। झारखंड ही नहीं, जितना पहाड़ी इलाका है सब खूबसूरत हो जाता है, अपने अपने जगह में सब खूबसूरत है। देखो यार चलो पास से देखते हैं। ये हम पहुंच गए कांटा। ये हम कांटा पहुंच गए। जीएम बंगलो वहाँ पर, ये जीएम बंगलो है यहाँ का। तो यार ये छोटा चौक इन कर गए, विक्की को घर ड्रॉप करते हैं उसका पहले। गाइस तो गाइस विक्की को ड्रॉप कर दिया उसके घर पे। बहुत ठंड लग रहा है यार, पूरा बॉडी चिल्ड हो गया, एकदम जम गया है। तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, नया तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, डेली के लेटेस्ट अपडेट मिलेगा। थैंक यू गाइस।